हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में डी काउंट फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे डी काउंट फंक्शन मैंने लगाया हुआ है और ये जो रिकॉर्ड्स है ना वो टोटल रिकॉर्ड्स को काउंट करके हमें दे देता है। कैसे दे देगा आइए देखते हैं। यहाँ पे 37 आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ कोई रिकॉर्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंटर करा हमने 28, डेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुल मिला के कितने रिकॉर्ड्स आ गए, 38 आ गए। ये देख सकते हैं आप, 38 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो ये इसको काउंट करेगा, ठीक है, ये 38 रिकॉर्ड्स आ गए। अगर हम कोई और भी रिकॉर्ड इसमें एंटर करते हैं तो वो भी बता देगा, उसको भी काउंट कर लेगा। जैसे मान लीजिए ये रिकॉर्ड हमने एंटर करा, तो अब यहाँ पे 39 ऑटोमेटिकली 39 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये फंक्शन काम करेगा डी काउंट। चलिए आइए देखते हैं इसको पूरे डिटेल में कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल पे जाते हैं और यहां से न्यू फाइल चूज कर लेते हैं और यहां से न्यू डेटाबेस। अब यहां पर हमको व्यू पे क्लिक करना है और इसे मैं नाम देता हूं डी काउंट टी टेबल, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर आईडी आ रही है, तो ये स्टूडेंट की आईडी हो जाएगी। स्टूडेंट आईडी कर देता हूं, स्टूडेंट आईडी, ओके। यहां पे ऑटो नंबर रखता हूं, फिर यहां पे स्टूडेंट नेम कर दूंगा, ये हमने कर दिया स्टूडेंट नेम। और यहां पर आ जाएगा आपका, हमें इतना ही रखना है, डी काउंट फंक्शन का यूज हम पहले सीखेंगे। तो यहां पर अब हमको स्टूडेंट का नाम देना है, ठीक है। तो यहां पे नाम देता हूं राम, यहां पे ऐसे करके नाम देता चला जाता हूं, श्याम, सचिन, राजा, आयुष, राज, संतोष, ये हमने कुछ नाम दे दिए हैं। और यहां पर इनके सिटी का नाम आप दे देते हैं, देवरिया, गोरखपुर, इनको सेव कर लेता हूं। अब हम चलते हैं सीधा कहां, फॉर्म में, ठीक है। फॉर्म क्रिएट करते हैं यहां से। तो ये हम डायरेक्टली चाहे तो फॉर्म डिजाइन पे जा सकते हैं, ऐसे यहां से फॉर्म बना भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं फॉर्म में ही डायरेक्टली। मॉडल डायलॉग पे जाते हैं, इसको डिलीट कर देता हूं, उसका कोई काम नहीं हमें। तो ये डिलीट कर दिया हमने। अब यहां पर वो चीजें इंसर्ट करवाएंगे, यहां ऐड एग्जिस्टिंग पे जाएंगे और यहां से शो टेबल्स पे जाएंगे। यहां डी काउंट नाम का जो टेबल बनाया था वहां से हम स्टूडेंट आईडी पिक करते हैं, फिर स्टूडेंट नेम पिक करते हैं, फिर सिटी पिक करते हैं। ये सब ले लिया हमने, इन तीनों को सेलेक्ट करता हूं, अरेंज पे जाता हूं। यहां से हमें इसको टेबुलर फॉर्म में रखना है, तो ये टेबुलर फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। हम वो फॉर्मूला रखने वाले हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहां से डिजाइन पे आ जाएंगे। डिजाइन पे आने के बाद यहां से हम एक टेक्स्ट बॉक्स चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, फुटर पे ही हम इसको ले आके ड्रैग कर देते हैं। तो ये फुटर पे आ चुका है। यहां से अब इस पर राइट क्लिक करना है, थोड़ा इसको नीचे रखता हूँ। अब यहां से इस पर राइट क्लिक कर दीजिए आप और प्रॉपर्टीज पे आ जाइए, तो ये प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। यहां पर इसको मैं नाम दे देता हूं काउंट, दे दिया, इसको भी नाम दे देता हूं, या फिर इसको हटा देता हूं, इसका कोई काम ही नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया। अब यहां पर फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो यहां पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए और अब यहां पर डी काउंट फंक्शन आपको यूज करना है। तो यहां लिखता हूं डी सी ओ यू एन टी काउंट, तो ये डी काउंट आ गया। यहां पर एस्टेक का सिंबल हमने लगा लिया, फिर यहां कॉमा देना है और फिर यहां टेबल का नाम देना है। तो जो भी टेबल आपने बनाया है, जैसे हमने डी काउंट टी के नाम से बनाया है, तो डबल डॉटेड कोट्स में डी काउंट टी आप लिख दीजिए। तो यहां लिखता हूं मैं डी काउंट टी, इसी नाम से हमारा टेबल है, तो ये हमने नाम दे दिया। डबल डॉटेड कोट्स को क्लोज किया और यहां पर अब ये जो ब्रैकेट है इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया। अब यहां से ओके प्रेस करेंगे, हमारा फॉर्मूला लग चुका है। यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए आप, तो यहां देखिए कुल मिलाकर के 7 रिकॉर्ड्स ये काउंट करके हमें बता रहा है कि ये 7 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसको क्लोज करते हैं, यहां से सेव कर लेते हैं। इसको नाम दे देता हूं मैं
डी एफ आर एम ये नाम दे दिया हमने और यहां पर ये सेव हो गया। तो अभी यहां पर देख सकते हैं ये कुल मिला के कितने रिकॉर्ड है, 7 रिकॉर्ड है। अगर आप कोई और भी रिकॉर्ड यहां पर एंटर करते हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहां पर लिख दिया मैंने दुर्गेश, एंटर प्रेस किया और यहां पर इनकी सिटी आ जाएगी, सिटी रख देता हूं मैं मुरादाबाद, ठीक है। और यहां से अब इसको सेव कर देता हूं, सेव हो गया। अब यहां पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहां पर 8 आ रहा है, यानी कुल मिला के कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, काउंट कीजिए 8 रिकॉर्ड्स हैं, तो 8 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए। ये काम होता है डी काउंट का। अच्छा, इसमें क्राइटेरिया भी दे सकते हैं लेकिन आज की ये वीडियो सिर्फ डी काउंट फंक्शन को लेकर के, इसमें क्राइटेरिया सेट करना हम बाद में सीखेंगे। यहां पर अगला मैं अगर कोई नाम दे देता हूं रितेश, तो ये देखिए यहां पर अब इनकी जो सिटी है वो देता हूं दिल्ली, ये दे दिया हमने। अब यहां पर इसको सेव कर देता हूं और अब आते हैं फिर वापस से इस फॉर्म में। तो यहां पे देख सकते हैं अब ये 9 आ रहा है, यहां पे कुल मिलाकर 9 रिकॉर्ड्स काउंट करके यहां पे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। इस फॉर्म को हम चाहे तो यहां से भी बना सकते हैं, ठीक है, यहां से डायरेक्टली हम फॉर्म डिजाइन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म डिजाइन पे आ गए और एड एग्जिस्टिंग में जाकर के यहां से जो भी चीजें चाहिए आप ले लीजिए, यहां से ले लिया। और अब यहां पर हम डी काउंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे, ये लगाया हमने, ये ड्रैग कराया और यहां पर डी काउंट लगाने वाले हैं हम। इसको चेंज कर देते हैं, यहां से प्रॉपर्टी शीट पे जाके यहां से इसका नाम चेंज कर देता हूं मैं, काउंट लिख देता हूं इसका नाम, काउंट लिख दिया। यहां पर भी इसका भी नाम हम चेंज कर देंगे, ये भी काउंट कर देते हैं, सी ओ यू एन टी काउंट कर दिया। और काउंट करने के बाद यहां पर कंट्रोल सोर्स पे जाके यहां 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, यहां पर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है डी काउंट, तो डी काउंट लगाया। यही चीज यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले एस्ट्रिक सिंबल, तो यहां पे एस्ट्रिक सिंबल दे दीजिए आप, और अब यहां पर टेबल का नाम आएगा तो डबल कोट्स में टेबल का नाम दे दीजिए, टेबल का नाम है आपका डी काउंट, डी काउंट टी लिख दिया, क्लोज किया और यहां से इसको ओके प्रेस किया, ठीक है। और यहां से व्यू पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं कुल मिला के 9 रिकॉर्ड है। तो ये इस तरह से करके हमें दे देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यहां पर भी देखिए 9 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और ये जो दूसरा फॉर्म हमने बनाया इसमें भी आपको 9 रिकॉर्ड्स ही दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। अगर कोई और भी रिकॉर्ड आप एंटर करना चाहते हो यहां से, तो यहां पे जाकर के आप नया रिकॉर्ड एंटर कीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं ईशा, लिख दिया और यहां पर सिटी डाल देता हूं देवरिया, डाल दिया। अब यहां पे देखिए ये जैसे ही हमने सिटी देवरिया डाला है और उसको सेव किया, ठीक है। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं, चलिए फॉर्म 1 के ही नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अब इस फॉर्म को हमें करना होगा क्लोज, ठीक है। और यहां पर डी फॉर्म में आते हैं। अब यहां पे देख सकते हैं ये 10 रिकॉर्ड हमें बता रहा है कि कुल मिला के 10 रिकॉर्ड हैं हमारे पास। अगर फॉर्म में जाएंगे तो क्या होगा, यहां पे फॉर्म में जाइए, यहां पे देखिए इसमें भी 10 रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो इस तरह से डी काउंट फंक्शन काम करता है। और डी लुकअप, डी काउंट, डी सम, इन फंक्शंस को आप सीखेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने में काफी मदद मिलेगी। तो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हम चलेंगे, अभी हम छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं। तो छोटा छोटा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ये डी काउंट, डी सम, डी लुकअप, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।